हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। सो कल जा रहा हूँ मैं अपने ननिहाल, जो कि पड़ता है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और गांव का नाम है रतगांव। बहुत खूबसूरत सा गांव है, एकदम हिमालय के बॉटम में बसा हुआ ये गांव है। जाने का रीज़न ये है, मेरे छोटे मामा जी लास्ट वीक हमारे बीच नहीं रहे, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वालों को इस दुख की घड़ी को सहन की शक्ति दे। मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरे जीजा जी जा रहे हैं और एक फ्रेंड जा रहा है, और बने रहिए आप इस ब्लॉग में। वीडियो वहाँ बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत आपको वीडियो दिखाने की, वहाँ की गाँव की खूबसूरती दिखाने की। अब बने रहिए इस ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, हम लोग मॉर्निंग में बहुत जल्दी निकल चुके थे, और ये हमारे लेफ्ट साइड में देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है हिमालय का, बर्फ भी पड़ी वहाँ पर। और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, चलो अब थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। अब हम अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी नज़दीक हैं, अराउंड 30-40 किलोमीटर और बचा हुआ है हमारा, और व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। रास्ते अच्छे नहीं है, इट्स ओके, चल जाएगा। कितना अच्छा व्यू है, मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है। सो हम कल नाइट में 7:30 को पहुंच गए थे, और मैं अर्ली मॉर्निंग थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ। और ये हमारे मामा लोगों का घर है, छोटे मामा बड़े मामा का। अभी सब लोग सो रहे हैं, कोई उठा नहीं है अभी। और मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि मत ही पूछो। ये छोटे छोटे इनके सीढ़ी नुमा खेत, जैसे माल्टा के पेड़ हैं, कितने सारे माल्टा लगे हुए हैं देख लो। ये मुँह हाथ धोने के लिए गर्म पानी किया जा रहा है, ये छोटा भाई अपना, ये नींबू, और पहाड़ी के उस साइड पे हम लोगों का घर है, यानी कि पापा के साइड के का घर है, तो मेरी मम्मी का ससुराल उस साइड है। अपना फराली उस साइड हुआ ना, तो उधर ये पहाड़ी के उस साइड ही तो होगा। पहाड़ी के उधर हमारा एरिया लग जाए, हाँ है ना। तालकोर पार करेंगे वही अंदर ही अंदर से। अरे भंडारी जी, क्या हुआ? बहुत बुरा हाल है, 5 किलोमीटर पैदल चल रहे यार। चढ़ी ना जाओ, इस घर से यहाँ आने में तुम्हारी सांस फूल गई यार, हद हो गई। क्या करें,
सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं रतगांव के एक खूबसूरत से ग्राउंड में जिसका नाम है तालगौर। और एक साइड पे मंदिर बना हुआ है, नाग देवता का मंदिर बना है। अपोजिट साइड में सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और एक ग्राउंड के चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और इतना खूबसूरत लग रहा है ग्राउंड। हमारे उत्तराखंड के एक फेमस सिंगर है जिनका नाम है दर्शन सिंह फर्सवाल। आपने कहीं ना कहीं उनके ज़रूर गाने सुने होंगे, भजन सुने होंगे। वो भी इसी गांव से ही बिलोंग करते हैं, यहीं रहते हैं। आज तो मिल नहीं पाया उनसे, बट अगली बार पूरी कोशिश करूँगा आपको भी मिलाने की और ख़ुद भी मिलने की। हेलो जिया जी, कैसा लग रहा है? बड़ा मस्त यार, क्या नज़ारा है। आज हम लोग जो है तालगर की फील्ड में भाई लोगों के साथ, हमारे बुजुर्ग लोग। भंडारी जी, कैसा लग रहा है फिर आपको? सुबह के साथ ही सोने का मन कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। बिस्तर की जरूरत है या वैसे ही ठीक है? बिस्तर ही लगाए, बिस्तर से कम नहीं है। तकिए की जरूरत हो गया, और किसी की नहीं। कितना अच्छा लग रहा है यार। ऊपर ले लो सीन, ऊपर देख। और राजू भाई ऊपर भेजो था उस टॉप में, ये वाला। फिर हम तालगौर के बाद आए अपने भैया भाभी के घर, जो कि वहीं ग्राउंड से थोड़ा सा ही ऊपर पे रहते हैं। और इन्होंने वहाँ पर सेपरेटली मकान बना रखा है, आजू बाजू कोई नहीं रहता। और ये देखिए इनका घर कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, इनके कुत्ते के बच्चे भी उरखे थे, बट बहुत छोटे थे, नहीं तो मैं लेके आता उसको अपने साथ। एक क्या है? वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। तो मम्मी जेठ से कि आप जेठ से? मी जेठ से। अच्छा, आप जेठ से? 3 साल आप जाती हो हॉल मतलब जेठ से? जेठ से।